नागरिकता संशोधन एक्ट पर पूरे देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई तो लगने लगा जैसे अब ये मसला पूरी तरह राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल नागरिकता संशोधन एक्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए देश भर में अलर्ट था। कई जगह धारा 144 भी लगाई गई थी। बावजूद इसके सड़कों पर विरोध की आग दिखाई दी। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने यूपी रोडवेज की बसों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने 4 से ज्यादा बसों को आग के हवाले कर दिया। बिहार के पटना दरभंगा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को रोक दिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी लेफ्ट पार्टियों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया और सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। वहीं पप्पू यादव खुद को जंजीरों में बांधकर सड़कों पर उतरे। उनका कहना है कि देश को भी बेड़ियों में बांधा गया है। नागरिकता पर संग्राम की तस्वीरें हैदराबाद, बेंगलोर और गुजरात के अहमदाबाद से भी सामने आई, जहां नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर विरोध किया। टीम राजनीति।